हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पूजा किचन। आज मैं आपको बना के दिखाऊंगी आलू पोहा। आलू पोहा की जो रेसिपी है बहुत मजेदार और टेस्टी होती है। बच्चों को टिफिन बॉक्स में भी आप दे सकते हैं। बहुत ही हेल्दी एक रेसिपी है। आप इसे घर पर इजी झटपट बना के आपको बहुत ही अलग तरीके से, बहुत ही अलग प्रोसेस से आज मैं आपको ये आलू पोहा बनाना सिखाऊंगी। इसे बटाटा पोहा भी कहा जाता है मुंबई में। तो आइए मैं आपको दिखा दूं कि ये रेसिपी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए और उसके किस प्रोसेस से हम। आलू पोहा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 मीडियम साइज के आलू को अच्छे से कट कर लिया है बॉईल करने के बाद। आप इसे बहुत ज़्यादा बॉईल ना करें, 90% तक बॉईल करें। 10% तक ये बॉईल खुद पर खुद हो जाएगी जब हम इसे पोहा के साथ फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास है 4 मीडियम साइज के पोटैटो, इसे मैंने पीसेस में कट कर लिया है। ये है मेरे पास काजू और मूंगफली के कुछ दाने। मैंने यहाँ पर बादाम और काजू को वाइट ऑयल में फ्राई करके पहले ही निकाल लिया है। ये है मेरे पास ऑनियन। मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज के ऑनियन को चॉप्ड कर लिया है। ये है मेरे पास ग्रीन चिली, इसे भी मैंने चॉप्ड कर लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो ये तीखा है वो कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर 8 से 9 ग्रीन चिली को चॉप्ड किया है। आप अगर तीखा कम खाते हो तो कम डालें, लेकिन अगर इसमें हम तीखा ज़्यादा डालते हैं तो हम बाद में इसमें चीनी ऐड करते हैं, जिसके कारण जो हमारा ये रेसिपी का जो स्वाद है वो भी बहुत अच्छा आता है। और पोहा बनाने के लिए हमें जितना मीठा और डालना होता है उतने क्वांटिटी में ही हम अगर इसमें तीखा ऐड करें तो उसका बैलेंस भी अच्छा होता है और इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अलग आते हैं। ये है मेरे पास कुछ कड़ी पत्ते, इसे मैं फ़ोरन के लिए ऐड करूँगी। और ये है मेरे पास फ़ोरन, रेड ड्राई चिली, हल्दी, साबुत जीरा, काला सरसों और ये है मेरे पास हींग। हींग इसमें ऑप्शनल है, आप चाहे तो नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन हींग से इसका टेस्ट थोड़ा अच्छा लगता है मुझे। और ये है मेरे पास पोहा। देखिए मैंने पोहा को पानी से धो लिया है और धो के इसे सुखा लिया है। देखिए आप इसे आधा घंटा पहले ही पानी में धो के इसे सुखा लें ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट और एकदम, मतलब देख रहे हैं आप ये कितना, इसे मैंने 4-5 पानी से धोया है, उसके बाद मैंने इसे सुखा लिया है। देखिए कितना खिला खिला सा हुआ है ये पोहा। तो हम इसी तरह से सारा सामान को ले लेंगे। मैंने यहाँ पर नमक और कुछ मसाले नहीं लिए हैं, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो आइए, मेरा ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। मैंने यहाँ 4 चम्मच वाइट ऑयल या रिफाइंड ऑयल इस कढ़ाई में ऐड किया है, लेकिन मैंने सबसे पहले यहाँ पर काजू और बादाम को इसी ऑयल में फ्राई करके निकाल लिया है। आप भी जब पोहा बनाएं, आलू पोहा बनाएं कुछ भी, तो आप अगर बादाम या काजू की को कुछ ऐसी आपको अगर इसमें किशमिश वगैरह अगर कुछ और भी डालना हो तो आप डाल सकते हैं। तो थोड़ी देर पहले आप पानी में फुला के उसे ऑयल में फ्राई करके निकाल लें, उसके बाद ही आप कुछ बनाएं। अब मैं फ़ोरन ऐड कर रही हूँ, आप देख सकते हैं है। अब जब तक फोरन थोड़ी चटकती है, जब तक हमारा जो ये सरसों है वो थोड़ी से चटक ना जाए, तब तक हम इसमें कुछ ऐड नहीं करेंगे। देखिए ये चटकना शुरू कर दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता ऐड करें, इससे क्या होगा फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है और मुझे तो कड़ी पत्ता का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा लगता है। मैंने सारी कड़ी पत्ते इसमें ऐड कर दी। इसमें आप कड़ी पत्ता थोड़ा कम भी डाल सकते हैं, बाकी मुझे आज थोड़ा ज़्यादा लोगों के लिए बनाना है ना, तो मैं ज़्यादा डाल रही हूँ। वैसे मैं नॉर्मल डे में आपको
तीन से चार लोगों के लिए बनाना सिखाती हूँ। आज ये पोहा मैं पाँच से छः लोगों के लिए बना रही हूँ। अब मैं इसमें ये आलू ऐड करूँगी। आलू जो है वो मैंने 5 मिनट तक फ्राई कर लिया है और फ्राई करने के बाद अब मैं इसे एक बोल में निकाल लूंगी। ठीक है, खाऊंगा। देखिए उसी कढ़ाई में मैं 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच ज़्यादा नहीं 3 चम्मच ऑयल हमने इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसमें ये कटा हुआ प्याज डालेंगे। अब हम प्याज को भी लाइट ब्राउन करके फ्राई कर लेंगे। हमें हाई फ्लेम में ही प्याज को फ्राई करना है। मुंबई में इसे कांदा कहा जाता है। देखिए अब हम इसमें थोड़ा सा नमक हल्दी ऐड करेंगे। थोड़ा सा हल्दी, जैसे मैंने एक छोटा सा चम्मच से 2 पिंच मतलब 2 चुटकी हल्दी मैंने ऐड यहाँ पर किया है। ये बहुत ज़्यादा हल्दी ना दे। अब आप यहाँ पर हरी मिर्च या अगर बहुत के लाल मिर्च खाना पसंद करते हैं, बट मुझे लगता है कि हरी मिर्च से इस रेसिपी का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। मैंने पहले भी कहा है कि आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही झाल डालें, तीखा डालें। आपको तीखा कितना पसंद है मुझे नहीं पता, बट मुझे तो तीखा खाना बहुत पसंद है। पर मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी इसलिए मैंने तीखा थोड़ा ज़्यादा ही डाला है, क्योंकि ये दोनों का बैलेंस अगर अच्छा नहीं होगा तो रेसिपी में स्वाद बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर तीखा और मीठा का कॉम्बिनेशन एकदम बराबर करने के लिए ना यहाँ पर मैंने हरी मिर्च ज़्यादा डाली है। देखिए इसे 2 मिनट तक हम फ्राई होने देंगे, उसके बाद हम यहाँ पर पोहा ऐड करेंगे, उसके बाद ही हम यहाँ पर नमक डालेंगे। देखिए हमारा जो ऑनियन है वो परफेक्ट कुक हो चुकी है। अब हम इसमें पोहा डालेंगे, क्योंकि पोहा तो हमें ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना होता है। हम धीरे धीरे इसमें सारे पोहे को ऐड कर देंगे। हमने सारा पोहा ऐड कर दिया है। अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच नमक डाला है। अब नमक डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिलाएंगे ताकि नमक जो है आपस में अच्छे से मिल जाए। ऐसे तो मैं पिंक सॉल्ट ही यूज करती हूँ घर में खाने के लिए, तो क्योंकि ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लोग पिंक सॉल्ट ही यूज करें घर पर। देखिए ये जो बटाटा है या फ्राई फ्राई सब्जी जो भी आप इसे कहते हैं, मुझे तो लगता है कि मैं रोटी के साथ उसे ऐसे ही खा लूँ, मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं ऊपर से। अब हम इसमें ये मूंगफली और काजू जो मैंने फ्राई करके रखे उसे भी मैंने ऐड कर लिया है। अगर आपको मेरी रेसिपी सच में अगर अच्छी लगती हो ना तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिखें, और ताकि मैं और ज़्यादा इंस्पायर होकर आप लोग के लिए अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आ सकूं। मुझे ना कमेंट्स लिखने से मैं बहुत ही मोटिवेशन फील करती हूँ। मुझे लगता है कि हाँ किसी ने मुझे कमेंट्स लिखा है तो मुझे बनाने का जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ताकि और अच्छी अच्छी रेसिपी आप लोग के लिए लेके आऊँ। तो अगर मेरी रेसिपी अगर आप लोग को अच्छी लगती हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी ने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं
मेरी इस रेसिपी को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। अब मैं इसमें चीनी ऐड करूंगी। देखिए मैंने 2 चम्मच चीनी ऐड किया है। देखिए ऐसा चम्मच है मेरे पास, ऐसे चम्मच से 2 चम्मच चीनी मैंने ऐड किया है। और अब हम इसे चीनी ऐड करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर ऐड करेंगे। देखिए ये छोटे से चम्मच से मैं 2.5 चम्मच एकदम, ये इसे टीस्पून कहते हैं, मतलब 1/4, 4/4 के 1/4, मतलब 4/4 का एक भाग। अब हम इसमें थोड़ा सा घी ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच के लगभग घी डाला है। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच के लगभग घी डाला है। आप अगर ज़्यादा इसे हेल्दी बनाना चाहते हैं तो घी और बटर दोनों को आप ऐड कर सकते हैं। बनकर तैयार है आलू पोहा। देखिए कैसी बनी है मेरी ये रेसिपी। अगर आप लोग को अच्छी लगी हो ना मेरी ये रेसिपी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दिए गए बेल आइकन को दबाएं और लाइक करना ना भूलें। कमेंट्स में हमें लिखना ना भूलें कि कैसी बनी है मेरी ये रेसिपी। और मेरे इस चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से मैं सारी रेसिपी बना के आप लोग के लिए लाते रहूंगी अच्छी अच्छी रेसिपी।